लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की विज्ञान की क्लास में बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों की दुनिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे आसपास पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और हमें उनसे विभिन्न प्रकार से फायदा या नुकसान होता है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से, कवक से संबंधित, उनकी सारी हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। हमारे आसपास पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, लेकिन हम उनको अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम ऐसे सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। तो इसका सबसे पहली बार जो पता लगाया गया था वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक ने इसके बारे में पहली बार बताया था, और वहीं से ये जानकारी मिली कि इंसान के अतिरिक्त भी और छोटे छोटे जीव रहते हैं जो विभिन्न प्रकार से इंसानों को तथा जंतुओं तथा पौधों को प्रभावित करते हैं। तो सूक्ष्म जीव की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की, उसके बाद हम बात करेंगे फंजाई के यानी कवक। बैक्टीरिया को हम हिंदी में हम जीवाणु कहते हैं और फंजाई को हिंदी में हम बोलते हैं कवक, और प्रोटोजोआ को हिंदी में हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो विभिन्न प्रकार से मनुष्य को तथा अन्य जंतुओं और पादप को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके थोड़े बैकग्राउंड में, तो हम जानेंगे कि आज से लगभग 5 से 6 खरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का विकास हुआ था, और ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति है वो बिग बैंग यानी महाविस्फोट सिद्धांत से मानी जाती है। हो सकता है कि और भी कई सिद्धांत सामने आए आने वाले वर्षों में, तो इसके ऊपर एकदम निश्चित बात करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये केवल थ्योरी है जो अभी वर्तमान में यूनिवर्स के निर्माण को एक्सप्लेन कर रही है। तो 5 से 6 खरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का विकास हुआ था, उसके बाद में लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले सबसे पहले प्रथम कोशिका आई थी, जो एक प्रकार की सरलतम कोशिका थी। देखिए, कोशिका को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक ऐसी कोशिका हो सकती है जो सरल कोशिका हो और दूसरी कोशिका जटिल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसी कोशिका है जिसके अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम बहुत जटिल हैं, यानी हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत जटिल है। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स अंग पाए जाते हैं, जैसे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, स्प्लीन यानी प्लीहा जिसको हिंदी में हम तिल्ली भी बोलते हैं, फेफड़े, हृदय। उसी प्रकार कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिसको हम कोशिकांग कहते हैं, जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को परफॉर्म करते हैं, विभिन्न प्रकार के फंक्शंस करते हैं। तो अगर कोई ऐसी कोशिका है जिसके अंदर ढेर सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, जैसे राइबोसोम्स, जैसे न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जैसे लाइसोसोम्स, जैसे गोल्जी बॉडीज जिसको हिंदी में हम गोल्जी काय कहते हैं। इस प्रकार से जितने भी सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग पाए जाएंगे तो वो उस कोशिका को जटिल बनाएंगे। और अगर कोई ऐसी कोशिका है जिसके अंदर ये सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोशिका सरल कोशिका है। तो सबसे पहली बार आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले प्रथम कोशिका जो सरलतम कोशिका थी उसकी उत्पत्ति हुई, और इसको हम मानते हैं, हम लोग आज जानते हैं कि जो सबसे पहले सरलतम कोशिका जो उत्पन्न हुई थी वो कौन सी थी, वो थी साइनोबैक्टीरिया।
वो क्या थी, साइनो बैक्टीरिया। तो वो कोशिका साइनो बैक्टीरिया थी, आप लोग इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, साइनो बैक्टीरिया कोशिका थी वो। और इसी को हम बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया को ही हम बोलते हैं नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल हम कहते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को। तो सबसे पहली बार पृथ्वी पर अगर कोई कोशिका का विकास हुआ तो वो साइनोबैक्टीरिया था, जो सरलतम कोशिका थी, प्रथम कोशिका थी। और उस कोशिका में धीरे धीरे कुछ क्रमिक विकास हुआ, और उसके बाद में धीरे धीरे फिर दूसरी कोशिकाएं उत्पन्न हुई, और जिनसे धीरे 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 संसार में अन्य जीव जंतु उत्पन्न हुए। तो इसमें अगर हम बात करें कि जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार, यानी जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार इन सरलतम आदि जीवों से विविध प्रकार के, यानी डाइवर्सिटी भरे हुए विविध प्रकार के तथा विभिन्न संरचनात्मक जटिलता वाले जीवों का क्रमिक विकास हुआ। अब सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि हमारा जो विकास, आज हम बहुत जटिल हैं, आज हम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, और जो पौधे हैं या फिर जो भी जीव जंतु हैं वो बहुत ही जटिल हैं, क्योंकि उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, उनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रक का अभाव रहता है, और यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। अब हम जब भी बात करते हैं प्रो या फिर यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, तो हम सबसे पहले केंद्रक की बात करते हैं, क्योंकि केंद्रक का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से हमारे शरीर में जो हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, जो हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर, चाहे वो सूक्ष्म हो या फिर वो कोई बड़ा जीव हो, वो सब मिलके कोशिका से ही बना हुआ है। तो उस कोशिका के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो क्या होती है, उसका केंद्रक होता है, ठीक है, जो सभी गतिविधियों को, कोशिका के अंदर सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इसीलिए कोशिका के अंदर यदि केंद्रक का अभाव है तो हम उसको बोल सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और अगर कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, एक सत्य केंद्रक पाया जाता है, तो वो यूकैरियोटिक है। हम पौधे, फंजाई, ये सभी यूकैरियोटिक प्लांट या एनिमल होते हैं, और बैक्टीरिया, खासकर साइनोबैक्टीरिया, ये कैसे हैं, ये हैं प्रोकैरियोटिक एनिमल्स जो सबसे पहली बार पृथ्वी पर आए थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि जीवों के संबंध में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके संबंध में दो मुख्य अवधारणाएं हैं। कौन कौन सी वो अवधारणाएं हैं, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि दो मुख्य अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी हैं वो। सबसे पहली अवधारणा ये है कि जीव जीवों से ही उत्पन्न होते हैं, यानी जो जीव है उसका निर्माण किससे होगा, जीव से होगा। कोई भी जीव अगर होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी जीवित प्राणी होगा, तो उसके अंदर कुछ जेनेटिक, कुछ आनुवंशिक प्रॉपर्टी होती है, आनुवंशिक पदार्थ उसका होता है। जैसे हमारे अंदर डीएनए होता है, प्लांट्स के अंदर भी डीएनए आरएनए होता है, तो अगर वो डीएनए उस जीव के अंदर है, तो उस जीव से कोई दूसरा जीव जब बनेगा तो वो उसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो भी ट्रांसफर होगा दूसरे जीव के अंदर। इसीलिए जब भी कभी भी एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसके लक्षण जो है वो पहले वाले जीव की तरह होते हैं, क्योंकि वो लक्षण वहीं से गए हैं, वो जीन्स, वो डीएनए वहीं से ट्रांसफर होके गया है। तो पहली अवधारणा क्या है, जीव जीवों से ही उत्पन्न होते हैं। दूसरी क्या है, जीवों की संरचना में क्रमिक जटिलता का विकास होता है। तो आप दो चीजों को ध्यान रखेंगे, जीवों की संरचना में क्रमिक जटिलता का विकास होता है, धीरे धीरे जीव जो होते हैं वो जटिल बनते चले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेल की, यानी जो बहुत ही सरल कोशिका थी, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ही सरल कोशिका वाले जीव होते हैं। उसके बाद में फिर विकास हुआ यूकैरियोटिक कोशिका का, जो जटिलतम कोशिका होती है, जो हमारे अंदर जो सेल है, ठीक है, वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जो जटिल होती है। तो इसके आगे हम बात करते हैं, जितने भी आधुनिक जीव होते हैं वो भी संरचनात्मक जटिलता के
कई सारे स्तर को प्रदर्शित करते हैं, बहुत सारे स्तर को, लेवल को डिफाइन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे उपकोशिकीय स्तर, दूसरा प्रोकैरियोटिक स्तर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तीसरा यूकैरियोटिक स्तर। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि उपकोशिकीय स्तर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब सेलुलर। यह होता है सब सेलुलर लेवल, इसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक लेवल, और इसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो हमारे चारों तरफ जो भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जो भी सूक्ष्म जीव हैं, वो इन तीन तरीकों से पाए जाते हैं, तीन स्तर को प्रदर्शित करते हैं। जैसे उपकोशिकीय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि उपकोशिकीय स्तर में इस स्तर के जीव अपूर्ण होते हैं, मतलब वो कंप्लीटली कोशिका नहीं होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वायरस, क्या विषाणु जिसको हम वायरस कहते हैं, क्या वो कोशिका है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि वायरस कोशिका नहीं होती है क्योंकि वो अपूर्ण है। ठीक है, तो ये केवल जैविक तंत्र के अंदर ही गुणन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो उपकोशिकीय स्तर के जीव होते हैं, जब भी वो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में जाते हैं, जैसे मान लीजिए वायरस, वायरस अगर आसपास कहीं भी डस्ट पे बैठा हुआ है या फिर कहीं भी टेबल पे बैठा हुआ है या कहीं भी है, वो एक पार्टिकल के रूप में है। ठीक है, अगर वो वायरस किसी जीवित व्यक्ति के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जब वो इंटर करता है तब वो जीवित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ऐसे उपकोशिकीय जीव किसी भी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तब वो गुणन करने लगते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। तो इसमें से आपको उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो वायरस है, वायराइड्स है और प्रियॉन है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उपकोशिकीय स्तर जो है वो क्या होता है। देखिए, सूक्ष्म जीवों की जो दुनिया है उसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनसे हमको फायदा भी होता है और हमको लाभ तो होता ही है, हमको साथ में हानि भी होती है। यानी वो विभिन्न प्रकार से हमको लाभ पहुंचाते हैं और विभिन्न प्रकार से हमको हानि पहुंचाते हैं। तो हमारे प्रश्नों में हम उनके लाभ पर चर्चा करेंगे और उनके हानि पर भी चर्चा करने वाले हैं, तथा जो कवक होते हैं, कवक से हमें किस प्रकार से लाभ मिलता है और किस प्रकार से कवक से हमको हानि मिलती है, और शैवाल और कवक में अंतर क्या होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या लिख के आएंगे, आप लोग लिख के आएंगे कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, यानी वे जीव, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले वे जीव जो हमको हमारी नग्न आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं और उन्हें हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेते हैं, तो ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, तो इस प्रकार के जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अभी हमने देखा था उपकोशिकीय स्तर के बारे में, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक स्तर के बारे में। प्रोकैरियोटिक स्तर की अगर हम बात करें तो प्रो और कैरियोटिक, ये दो वर्ड से मिलके, दो शब्दों से मिलके बना है। प्रो का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, यानी पुराना होता है, प्रिमिटिव होता है। और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, क्या होता है, केंद्रक। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये ऐसा स्तर है जिसके अंदर जो भी प्राणी पाए जाते हैं, जो भी जीव जंतु इसके अंदर आते हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, या फिर वो केंद्रक के निर्माण होने से बहुत पहले ही बने थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, तो प्रो का मतलब होता है प्राचीन और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो केंद्रक के बनने से बहुत पहले ही बन चुके थे, तो उनके अंदर केंद्रक नहीं होता है, या फिर केंद्रक असत्य केंद्रक पाया जाता है। तो जैसे इनमें केंद्रक व कोशिकांग नहीं होते हैं,
कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कोशिका के अंदर जितने भी चीजें पाई जाती हैं, जो भी उसके अंदर चीजें उपस्थित होती उसको हम कोशिकांग कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और कोशिकांग नहीं होते जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनेल्स, ये नहीं होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इनकी कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है, तथा आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। और आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो डीएनए हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, यानी डीएनए का जो दोहरा कुंडलित, जो इस तरीके से आप लोगों ने इसको देखा होगा, डीएनए का जो दोहरा कुंडलित संरचना है उसको किस वैज्ञानिक ने, कौन कौन से साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने उसको खोजा था, उसको बताया था। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स उदाहरण आएंगे, तो प्रोकैरियोटिक स्तर के अंदर बैक्टीरिया आता है और उसमें साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को ही हम क्या बोलते हैं, नीले हरे शैवाल, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया थे जिनके अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता था, और इसीलिए उस समय जब पृथ्वी का विकास हुआ था और पृथ्वी पर जल आया था, उस समय ये क्या करते थे, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते थे और ऑक्सीजन को मुक्त करते थे, और ऐसे करोड़ों बैक्टीरिया उस समय उपस्थित थे। तो धीरे 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 इन्हीं की मदद से वायुमंडल में ऑक्सीजन आई, और उसके बाद में धीरे धीरे ऑक्सीजन का स्तर जब बढ़ा तब बाकी और जीवन उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए ये हमारे एक तरीके से पिता हैं, जनक हैं। ठीक है, अगर ये ना आए होते तो हम और आप नहीं होते। तो इसके आगे हम बात करते हैं। हम लोगों ने उपकोशिकी स्तर और प्रोकैरियोटिक स्तर के बारे में जान लिया है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक स्तर क्या होता है। देखिए, यूकैरियोटिक का अगर हम मीनिंग समझें, इसका अगर हम जो अर्थ है वो जानें, तो यू और कैरियोटिक ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यू का मतलब होता है सत्य, इसका मतलब सत्य होता है, ट्रू होता है, और जो कैरियोटिक है इसका मतलब क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। तो अब आप जान गए होंगे कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। इस स्तर में ऐसे जीव जंतु आते हैं जिसमें सत्य केंद्रक, जिनके अंदर, जिनकी कोशिकाओं में सत्य केंद्रक पाया जाता है, इसीलिए इसको हमने यूकैरियोटिक बोला। ठीक है, तो इसमें सभी बहुकोशिकी, यानी ऐसे जीव जो एक कोशिका नहीं है, जो ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकी, जैसे आप, जैसे मैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, या फिर पौधे, या फिर मशरूम, ये सभी कैसे हैं, ये सभी बहुकोशिकी जीव हैं जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए वो दिखाई देते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने हाथ को गौर से देखिए, क्या आपको इसमें कोई भी सूक्ष्म जीव दिखाई देगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं, क्योंकि वो एक कोशिकी जीव होता है, वो इसीलिए दिखाई नहीं देता है। आपको क्या अपना हाथ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा हाथ कैसा है, हमारा हाथ बहुकोशिकी है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। आप ध्यान रखेंगे, जब भी बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब वो ऊतक का निर्माण करती हैं, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। जब भी बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब वो ऊतक, टिश्यू बनाती है, और जब ऊतक मिलता है, ऊतक मिलते हैं, तब वो अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र को बनाते हैं, और पूरा अंग तंत्र जब मिल जाता है तब उससे शरीर का निर्माण होता है, बॉडी, जैसे आप, जैसे हम, पूरी बॉडी है। तो हमारे जीवन की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, वो कोशिका है, कोशिका से ही पूरा विकास हुआ है हमारा। उसी प्रकार यूकैरियोटिक क्या होते हैं, सत्य केंद्रक वाले स्तर है, जिसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाएंगे, जिसके अंदर
कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाएगा। सभी बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा, इनमें स्पष्ट केंद्रक होता है, क्योंकि इसमें सत्य केंद्रक होता है तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट केंद्रक होता है, तथा इसमें कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोशिकांग अलग अलग प्रकार के कार्य भी करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूं, ये कोई कोशिका हो सकती है, ये कोई कोशिका है, ये कैसी कोशिका है, ये कोई यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। इसके केंद्र में, इसके सेंटर में ये केंद्रक है, इसे हम बोलेंगे केंद्रक। तो इसके केंद्र में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक पाया जाता है, और इसमें साइटोप्लाज्म जिसको हम कोशिका द्रव कहते हैं वो भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है, और इसी साइटोप्लाज्म में केंद्रक तथा दूसरे कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे लाइसोसोम है, यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाएंगे, यहाँ पे अंतः प्रद्रव जालिका जिसको इंग्लिश में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं वो पाई जाती है। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो कहाँ पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, और यही चीजें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि हम समझें कि कौन कौन सी कोशिकाएं जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, तो इसके लिए इसका प्लांट्स हो गए यानी पौधे हो गए, तथा एनिमल्स हो गए, तो पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक जीव है ये सब। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि उपकोशिकीय स्तर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक स्तर क्या होता है, और यूकैरियोटिक स्तर क्या होता है। तो अगर आपसे सूक्ष्म जीवों की दुनिया के अध्याय से कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें स्तर के बारे में पूछता है, तो आप लोग उसका उत्तर करने के योग्य हो गए हैं। मैंने पहले इसमें, इस चैप्टर में कुछ बेसिक बातें करी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि आप लोग उनके बारे में जानें। अगर मैं डायरेक्टली बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में बताना शुरू कर देता तो शायद आपके दिमाग में वो चीज़ ना आ पाती। तो आप लोग पहली बात तो यही कि डिफरेंस जानें कि डिफरेंस क्या होता है उपकोशिकीय में, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। तो इसके आगे अब हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। एक बहुत ही साधारण सी परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, सूक्ष्म जीव वह जीव जो नग्न आंखों से यानी जो हमारी सादा आंखों से, यानी अगर हम सूक्ष्म जीवों को देखना चाहें तो हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो वह जीव जो नग्न आंखों से दिखाई ना दे, जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, या फिर उसको हम अणुजीव भी कह सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? इसको हम जीवाणु कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। हमारे हाथों में, हमारे कपड़ों पर, हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बहुत प्रकार के, हजारों प्रकार के जीवाणु रहते हैं, लेकिन हमको वो इन्फेक्ट, संक्रमित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोध क्षमता, प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो ऐसे अनजाने जीवाणुओं को नष्ट करता रहता है लगातार। अगर वो इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो हम बीमार हो जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो वो फफूंद हो सकता है, उसके अलावा खमीर, इसको हम ईस्ट कहते हैं, ईस्ट हो सकता है, उसके अलावा शुक्राणु को भी हम सूक्ष्म कोशिका कह सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो शुक्राणु होते हैं इसको हम बोलते हैं स्पर्म, और ये कहां पाए जाते हैं? ये मेल की कोशिकाएं हैं, ये पुरुष के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं, बैक्टीरिया है, फफूंद है, खमीर है, शुक्राणु है, और प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। तो इस प्रकार के जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं
वो हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो चारों तरफ उपस्थित रहते हैं। तो अब आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे विशेष रूप से जीवाणु के बारे में, फफूंद के बारे में हम बात करेंगे, खमीर कौन कौन से होते हैं और जीवाणुओं से हमें लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और प्रोटोजोआ क्या होता है इनके ऊपर हम बात करेंगे। यानी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आने वाले होंगे, आ सकते हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को, जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं, समझ में आए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं इनसाइड स्टडी फोरम के, तो आप लोग ज़रूर इन वीडियोस को शेयर करते रहें और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको इस चैनल पर डीएलएड के साथ साथ आपको सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट के प्रिपरेशन भी कराई जाएगी अतिशीघ्र। कुछ कारण की वजह से वीडियोस नहीं आ पाए, लेकिन आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। तो आप लोग यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।